वेलकम टू मलुका। यस, हम लोग प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज़ को रन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में टैक्स से जुड़ी हुई अवधारणा को बहुत अच्छे से देख चुके हैं, है ना। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, और उससे जुड़ी हुई जो अवधारणा है, जैसे विशेषतः जीएसटी से संबंधित चीज़ों को हम लोगों ने अभी तक देख लिया था। आज हम लोग कुछ चीज़ें देखने वाले हैं भाई, जल्दी से देखिए। इसमें एक होता है लाफर कर्व, ठीक है। लाफर कर्व होता है इसका, इस पूछ ले यूपीएससी अगर किससे संबंधित है, तो एक तो पता होना चाहिए कि यह कर राजस्व तथा कर की दर के बीच में संबंध को दर्शाता है, है ना। ये जो कर्व है, ये दोनों के बीच में संबंध में दर्शाता है। मतलब इसका सिंपल सा समझ लो, यह कर्व कहता है कि अगर आप कर की दर बढ़ाते हो, सरकार अगर कर की दर बढ़ा देती है, तो एक समय तक तो सरकार को फायदा होता है, ठीक है। एक समय तक सरकार को फायदा होता है, लेकिन एक समय के बाद सरकार को हानि होने लगती है। तो इसका मतलब यह है सीधा सा कि आपको एक सीमा से ज्यादा टैक्स रेट को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान होता है और लोग कर देने से बचने लगते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसको याद रखना, पूछ ले क्या इसमें है और दूसरा क्या है इसके अंदर, दोनों चीजों का आंसर आप लोग अच्छे से कर सकते हो। दो टर्म है, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, कर बचाव, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस, यह देखो विधिक है। टैक्स बचाव का मतलब क्या होता है, लूप होल्स को ढूंढना, कहां पर कौन से लूप होल्स का फायदा लेकर सरकार को कर देने से बचा जा सकता है, उसको बोलते हैं कर बचाव, और यह विधिक है, यह लीगल है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सरकार की कमी है। लेकिन एक होता है टैक्स की चोरी, कर की चोरी करना, है ना। कर चोरी करना अपने आप में इलीगल है, कर को छुपाना, ये तो सिंपल सा टर्म है कि अगर आप लोग कर नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप कर की चोरी कर रहे हो। आप कर देना चाहिए आपको, और वो पैसा जो कर की, कर जिस पर कर नहीं दिया जाता है, उसी को ब्लैक मनी के तौर पर हम लोग मानते हैं। उसके अलावा एक टर्म और है भाई, एक इसको और ध्यान से समझिए, कर आतंकवाद, ठीक है। टैक्स टेररिज्म, अगर यह पूछ ले यूपीएससी की यह क्या होता है, तो जो अधिकारी होते हैं ना, कर अधिकारी जो होते हैं, कई बार ये अपनी वित्तीय शक्तियों का, जो इनको पावर्स दी गई होती हैं, उसका मनमाने तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं, उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं पर करदाता, जो कर देने वाले लोग हैं, उनमें एक भय का माहौल पैदा होता है ना, कर का माहौल, डर का माहौल पैदा होता है, उसको बोलते हैं कर आतंकवाद। तो याद रखना इसको, टैक्स टेररिज्म अगर डेफिनेशन पूछ ले तो भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक टर्म और भाई, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये क्या है, ठीक है, एपीए बोलते हैं इसको। इसके तहत ये है कि करदाता है, जिसको कर देना है, वो कंपनी भी हो सकती है, व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, करदाता और कर प्राधिकरण के बीच में, करदाता तथा कर प्राधिकरण के बीच में पहले से ही एडवांस लिखा है ना, एडवांस में ही, पूर्व से ही कोई समझौता हो जाए किसी बात को लेकर कि आप इतनी दर से आप टैक्स देना और आप, हम इस तरीके से टैक्स को ले लेंगे, तो एक पूर्व निर्धारित समझौता है, किसको लेकर, कर को लेकर, है ना। बहुत सारी कंपनियां सरकारों के साथ इस तरह का समझौता पहले से ही कर लेती हैं, तो ये भी टर्म आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, देखो उपकर, जिसको बोलते हैं सेस, तथा सरचार्ज, ठीक है। ये दोनों टर्म के बीच में अंतर और समानता आपको पता होनी चाहिए। इसको हिंदी में भी, इसको अधिभार ख्यात कहते हैं, अधिभार बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में दोनों को बोलते हैं, सेस और सरचार्ज, ठीक है। उपकर का मतलब ये है जो विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाए। पहले तो अंतर देखो इन दोनों के बीच में, पहला अंतर यह है कि यह विशेष उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, ठीक है। जैसे शिक्षा के लिए उपकर लगा देना, स्वच्छता के लिए उपकर लगा देना, है ना। दूसरा यह वाला जो इसके तहत देखोगे ना, तो यह ज्यादा अमीर वर्ग लोगों को देता है, ये टैक्स ऑन टैक्स है, कर के ऊपर कर, और ज्यादातर जो लोग ज्यादा अमीर होते हैं ना, उनसे सरकार एक्स्ट्रा सरचार्ज वसूलती है ना, तो इसका उद्देश्य होना चाहिए, इसका कोई जरूरी नहीं। दूसरी बात अगर आप लोग देखेंगे इसमें डिफरेंस आपको देखेगा, उपकर की आय को संचित निधि में जमा नहीं किया जाता है, ठीक है। इससे जो आय सरकार को मिली है, राजस्व मिला है, संचित निधि में नहीं जाएगा, बट यहां पर आपको ये वाला संचित निधि में ही जमा करना पड़ेगा। यह तो आप लोगों ने अंतर देख लिया दोनों के बीच में, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भाई। दूसरा, इसके तहत समानता क्या है दोनों में, समानता यह है कि दोनों ही यह जो राशियां प्राप्त होती हैं सरकार को टैक्स के तौर पर, यह राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती,
ठीक है, स्टेट के साथ साझा नहीं की जाती है, इसीलिए केंद्र और राज्य के बीच में यह दोनों कर भी विवाद का मुद्दा है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन, इससे जुड़ा हुआ जो रेवेन्यू है वो केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझा नहीं करती है। तो यह भी आप लोगों को अंतर और समानता दोनों इस चीज को लेकर पता होना चाहिए। इसके बाद भाई एक टर्म है फिस्कल ड्रैग, ठीक है, फिस्कल ड्रैग का क्या मतलब है इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लो। देखो भाई फिस्कल ड्रैग क्या होता है, ठीक है, पूछ ले अगर यूपीएससी, फिस्कल ड्रैग को हिंदी में भी फिस्कल ड्रैग ही कहते हैं, ठीक है, इसको भी आप हिंदी में भी या राजकोषीय बाधा के तौर पर आप लोग इसको देख लो। इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन हुई है और इनकम की वृद्धि हो जाए, है ना, इनकम की वृद्धि, दोनों कारण, कारण दो देख लो, एक होता है मुद्रास्फीति महंगाई, और आय की वृद्धि के चलते, आय की वृद्धि के चलते सरकार जो है कर देने वाले लोगों को उच्च टैक्स ब्रैकेट में धकेल देती है, ये सरकार की एक हिसाब से रणनीति है, ठीक है, इसका फायदा ले लेगी या इसका फायदा ले लेगी और कहीं ना कहीं पर ज्यादा टैक्स ब्रैकेट में डाल देगी। तो इससे क्या होता है कि कह देगी आय ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स दो, इन्फ्लेशन के चलते कोई ना कोई टैक्स ले लेगी। तो यह जो सरकार की धारणा है इसको बोलते हैं फिस्कल ड्रैग। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा यह है कि पब्लिक तौर पर सार्वजनिक तरीके से सरकार घोषित नहीं कर रही है कि टैक्स की रेट बढ़ाई गई, बट इन दोनों का फायदा लेके सरकार जो है ज्यादा टैक्स वसूल रही है और जनता को आय वृद्धि होने के चलते उच्च ट्रैक की टैक्स ब्रैकेट में डाल रही है, ठीक है। तो फिस्कल ड्रैग को लेकर आप लोगों को चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। एक होता है फिस्कल क्लिफ, ठीक है, तो यह भी आपका अवधारणा है, ये आप लोग देख लो, राजकोषीय क्लिफ बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब है, इसकी सिंपल सी चीजें ये हैं, एक समय होता है जब सरकार राहत पैकेज घोषित करती है ना, जैसे कोविड-19 के दौरान भी किया गया था, तो राहत पैकेज में ना उस टाइम सरकार क्या करती है, लोगों से टैक्स लेने में कमी कर देती है कि कर की जो दर है आपको जो टैक्स देना है उसको हम कम कर रहे हैं, सरकार एक बार करती है। मान लीजिए उसकी सीमा रखी सरकार ने 6 महीने की, ठीक है, 6 महीने लोगों को राहत दी गई और आपको कर की दर कम की गई। जब ये 6 महीने की सीमा खत्म हो जाती है उसके बाद सरकार एक चीज और करती है, सरकार क्या करती है, कर को कहीं ना कहीं पर जो सरकार का खर्च है जो सरकार का एक्सपेंडिचर है उसमें भी व्यापक तौर पर कमी करती है। यह तो सही नहीं है ना, सरकारी खर्च में कम कर देगी इसका मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो कहीं ना कहीं पर ये देश के लिए आगे चलकर लोगों के लिए नुकसान बनता है। तो पहले तो छूट दे दी, फिर उसके बाद खुद के व्यय में भी कटौती कर दी, क्योंकि सरकार ऑलरेडी कहती है मेरे को टैक्स नहीं मिला 6 महीने में, है ना। तो इस टर्म को बोलते हैं फिस्कल क्लिफ, ठीक है, बहुत अच्छी अवधारणा है, यूपीएससी पूछ सकता है। दूसरा लास्ट में एक दो चीजें आप और जल्दी से देख लो भाई, ठीक है, जो आपका इन्फोर्समेंट, जो आपका डायरेक्टोरेट है, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं इसको, ईडी, पहली चीज पता होनी चाहिए कि यह वित्त मंत्रालय के तहत है, ठीक है, वित्त मंत्रालय कौन से मिनिस्ट्री के तहत आती है, और आपको पता है कि अगर कर चोरी या इन सब चीजों को लेकर कोई भी देखना होता है वित्तीय संसाधनों से संबंध में तो जांच कौन करती है, ईडी करती है, प्रवर्तन निदेशालय, इसके बारे में इतना पता होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय के तहत है। दूसरा एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, ठीक है, वित्तीय खुफिया इकाई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, यह जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, ठीक है, ईआईसी को, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल जो होती है इसको रिपोर्ट करती है। याद रखना यह जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, इसका भी काम यह है, क्या काम है, वित्तीय सूचनाओं जो आपके संसाधन है उससे जुड़ी क्या आसूचना, इंटेलिजेंस, ठीक है, खुफिया चीजें जो हैं, आसूचना जो है, जानकारी हासिल करेगा ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, और यह रिपोर्ट करेगा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, ठीक है, आर्थिक आसूचना परिषद, इसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक आसूचना परिषद, और यह जो है यह किसके अध्यक्षता के तहत काम करती है, वित्त मंत्री के तहत, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत यह जो है वह करती है। तो यह ओवरऑल कॉन्सेप्ट थे जो टैक्स से रिलेटेड मुझे लगता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। इवन अगर मान लीजिए आप इसमें से कुछ सवाल नहीं भी बनते हैं तो आप लोग एक चीज समझो, आपको आइडिया लग जाएगा कि इन चीजों पर फोकस करके तैयारी करनी है, कर व्यवस्था में या टैक्स के वाले चैप्टर में कौन कौन से एरियाज पर आपको फोकस करना है और इसके आसपास की चीजों को देखना है, इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है इस चीज को लेकर आप लोगों को क्लैरिटी बहुत अच्छे से आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।